नमस्कार, मैं कनिष्ठा चतुर्वेदी आठवीं की छात्रा आज आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का प्रतिकार। प्रकृति ने लिया प्रतिकार, प्रकृति ने लिया प्रतिकार, करती रही सदैव उपकार, उपकारों को भूल गए, ख्वाबों में वे झूल गए। तब प्रकृति ने लिया प्रतिकार, दी पीड़ा सबको बार बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अक्षरा, यस सर, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। ओके सर। शुभ दिवस एवं जय हिंद। मैं अक्षरा वर्मा, कक्षा 8 द की छात्रा, आज आप सबके समक्ष कोरोना वायरस पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए कोरोना, तुझे होगा जाना, तुझको मिटा देंगे हम भारतीयों ने है ठाना। हर किसी के हृदय का अपना अपना मर्म है, परंतु अभी कोरोना को रोकना ही हमारा धर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद हम आते हैं क्लास 9th पे। क्लास 9 से मानवी खंडेलवाल, क्लास 9th बी। मेरा नाम मानवी खंडेलवाल है, मैं सनबीम सनसिटी की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना नाम की यह बीमारी पूरी दुनिया में आफत बनकर आई है और इससे पूरा मानव जाति भयभीत है। तो इसी पर मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दुनिया में आफत आई है जिसने लाखों को मौत की नींद सुलाई है। फैली है कोरोना नाम की यह बीमारी जिससे घर पे बैठा है हर एक व्यापारी। घर बैठकर करो अपना हर काम, हो जाएगी यह मुश्किल भी आसान। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति। अमित, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं अमित कुमार, कक्षा 10वीं ई का छात्र, आज आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक दीपक का इंतजार है। भूख अभी मिटी नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं, दीपक का इंतजार है, सांस अभी रुकी नहीं, हाँ सांस अभी रुकी नहीं। समय है रुक सा गया, समय है रुक सा गया, परमात्मा भी झुक सा गया, अन्नदाता वरदान है, चलता रहा है सदियों से, चलता रहा है सदियों से, मुसाफिर मंजिल छोड़ नहीं, अगर चंद्रमा ना होता तो तारों का कोई मोल नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप सभी को मेरा नमस्कार। कनिष्का भारती, आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10वीं ई की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी रचना को लेकर प्रस्तुत हुई, जिसका शीर्षक है मजदूर। अगर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रोको मुझको, बस मुझे अब जाने दो। मैं खुद जलता था तेरे कारखानों की भट्टियां जलाने को, मैं तब तक मैं तेरी अटलकियां बनाने को। धन्यवाद। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। तो अगली प्रस्तुति क्लास 9 के देवादित्य मुखर्जी की होगी। देवादित्य मुखर्जी, क्लास 9th एफ। मैं देवादित्य मुखर्जी, आज कक्षा 9 का छात्र, आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता, जिसका नाम है महामारी, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थम सी गई है पृथ्वी, आज आया है ऐसा झोंका, महामारी के इस तांडव ने आज दिया है सभी को धोखा। बहुत सुंदर देवादित्य, बहुत अच्छा लिखा है। अंकिता विक्रम सिंह हमें ज्वाइन करेंगी। जी कल्याण मैम, जय हिंद मैम, जय हिंद मैम। अंकिता मैम, वेलकम टू सनबीम सनसिटीज ऑनलाइन सेल्फ कंपोज्ड पोएट्री हिंदी एंड इंग्लिश कंपटीशन। थैंक यू सो मच सर। And Jai Hind to everyone. All the best. Vartika. So may I start? You can. Yes. Start the presentation.
Having great friends to share your life with is a gift like no other. With these lines, a very good evening and Jai Hind to one and all present here. Today, I, Vartika Singh of Class 8, friends are the best parts of our life. Factually make it cheerful and full of thrive. Friends are those who stand up for you. Friends are those who will always be there for you. They are the people who will always love you. Good times or bad times, they are always with you. Very good. Rashika Singh. Very good evening and Jai Hind to all. I am Rashika Singh from Class 80 and I am here to recite a self-composed poem on nature, that is, the nature speaks. Nature, 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 full of beauty. It's our duty to save nature's beauty. Cutting trees, polluting water, polluting air, which shows humans don't have care. Thank you, Rashika. Thank you so much. With this, we have from class 9th, we have Janavi Srivastva. Good evening and Jai Hind everyone. Today I, Janavi Srivastava from class 9th, is here to recite a self-composed poetry. There times come when you lose hope. There times come when you feel that you have been tied down by a rope. There times come when you feel that you're not enough. There times come when your days are rough. Thank you, Janavi. Gijesh sir, we move on to the next. Yes, thank you, Janavi. We have next Shambhavi Singh from class 9th B. Good evening, respected teachers. I, Shambhavi Singh from class 9D, I'm here to recite my self-made poem called Ray of Hope. It goes like this. It's vacation, or is it not? I'm sitting at my favorite spot, wondering what I'd be doing if I were not logged in. The last participant of the self-composed English poetry. So we have Anshika Kanojia from class 10th D. Good evening and Jai Hind everyone. I'm Anshika Kanojia, student of 10th D, is here to recite a self-composed poem that is Hope Will Win. Hope is a scope to build a better future. No matter how bad days you had, all you need is belief on yourself. Hope is a way of not giving up. Pratham, mere hisab se, Amit Kumar hai, kaksha 10 ke, Deepak ka intizar. Dusra, Akshara. Akshara ne bahut hi vishwas ke saath apne prastuti ki. Kaksha 7 ki jo pehli bachchi aayi thi, Kanishka hai mere khyal se. और देवादित्य एंड दो लाइन मैं बोलना चाहूंगी अभी सुनते सुनते बच्चों को ये ख्याल आया मेरे मन में कौन कहता है कि लॉकडाउन की अवधि है कौन कहता है कि हम और आप मेरे हिसाब से हम और ये बच्चे एक दूसरे से दूर हैं अंकिता सो फॉर मी सो आई वुड गिव द फर्स्ट पोजीशन टू जानवी Janavi was from class 9th. I'm confused, so I'm putting maybe Anshika and Vartika both there. Anshika is from class 10th and Vartika from class 8th. And as for the third, I'm giving it to Shambhavi from class 9th.